टू बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स इन ए कैलोरी मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व्ड। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि दो बॉडी हैं जिनको मिक्स कर दिया गया है डिफरेंट टेम्परेचर, उनको मिक्स कर दिया गया है, तो उनकी क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी? तो हमारे पास जो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी वो क्या रहेगी, हमारे पास कंजर्व्ड रहेगी इस केस में। बिकॉज क्या आंसर आ जाएगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। टेम्परेचर उनका क्या है, अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो वन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड नो एक्सटर्नल सोर्स इज सप्लाइंग एनर्जी टू द बॉडीज। और इनके अलावा, इनको मिक्स करा गया है तो कोई और तीसरा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जो इसमें क्या करे, एनर्जी को सप्लाई करे। दस द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज रिमेन कंजर्व्ड अलोथ इंडिविजुअली इट चेंज। आपस में तो ये क्या हो जाएगा, इनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पर इंटरनल एनर्जी इसकी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर रहे। तो टोटल लॉस इक्वल टू क्या होता है, टोटल गेन होता है। इसी वजह से नो एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। ओके